नमस्ते किसान, हम बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से। आज तारीख है शायद 12 सितंबर 2020, बड़वानी मध्य प्रदेश। ये रेवा प्लस जो मेरा खुद का टिश्यू कल्चर लैब है वहाँ की साइड पर हूँ मैं, और बी किसान स्मार्ट फार्मिंग ने जो एक टेक्निक लॉन्च करी है 70-30 फार्मिंग, उसके तहत ये केला लगा है। बाउंड्री पर पूरा गन्ना घास है, पूरे भारत से किसान विजिट करने के लिए आ रहे हैं हर रोज कोविड का प्रकोशन लेते हुए। लेकिन खेती किसानी कम खर्च में कैसा करें उसके लिए सीखना है, देखना है, तो डिस्टेंस बना करके। जो किसान नए आने वाले, मैं बोल रहा हूँ दूर वाले अभी मत आओ, वीडियो पर ही ये सारा कुछ देख लो। आज जो आए हुए हैं बुरहानपुर के नेपानगर नावरा, उसके आसपास के कुछ 8 किसान हैं। बुरहानपुर में अभी बहुत गड़बड़ियाँ दिख रही है, बीमारियाँ आ रही है, और 5x5 पर लगा करके कोई अच्छे व्यापारी नहीं है। आज तक यूरोपियन कंट्री या डोमेस्टिक कंट्री का एक्सपोर्ट हुआ नहीं है। गणेश जी अंदर विजिट करवा रहे हैं। 5x7 20 फरवरी का प्लांटेशन है 2020 का, रेवा प्लस, पूरा 70-30 फार्मिंग फॉलो किया है। बाप रे क्या बंचेस हैं। ये जगह है 70% पौधे के काम करने के लिए, उसकी जड़ों को डेवलप होने के लिए। ये जगह है 30% हम किसानों के चल फिर करने के लिए। 20 फरवरी 2020 का प्लांटेशन है, शानदार बंचेज हैं आज की तारीख में। अगर इस तरह का बंच कहीं हो तो मुझे ढूंढ के दिखाओ। बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश है। पूरे खेत में एक साथ फ्लावरिंग है, वन शॉट फ्लावरिंग, बहुत बढ़िया। बलराम भैया, मोबाइल पे देखने में और ये पास में ये वास्तविकता देखने में मजा आता है किसान को कि भैया यहाँ आओ और यहाँ देखो खेत में, मतलब दिल खुश हो गया। 250 किलोमीटर दूर आए हैं, फरवरी के लागू है ना। हाँ, बहुत 20 फरवरी का प्लांटेशन है। ये आपके टिश्यू अपना जो रेवा, आपने अभी टिश्यू विजिट किया, रेवा प्लस। हम दो कैटेगरी बनाते हैं, एक रेवा G9 है और एक रेवा प्लस है जी। तो ये हम रेवा प्लस की साइड पर खड़े हैं जी। इसका लाइन से लाइन 5 फीट है, पौधे से पौधे की दूरी 7 फीट है। और आप अगर पूरे खेत में देखोगे तो वन शॉट फ्लावरिंग हुई है, 8 दिन के अंदर पूरी फ्लावरिंग आ चुकी है। डंडे की मोटाई फ्लावरिंग आई है कि कुछ ऐसा अपन ने डाला? ना, डालना जादूगरी मेरे पास है ही नहीं भाई, जो नेचुरल है 70-30 फार्मिंग, ये वही है। मतलब बलराम भैया तो बोलते हैं जनरल फर्टिलाइजर जो किसान डालता है। एक्चुअली हम सब किसानों को क्या डालना, कितना डालना, इसको डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट कर दिया, यही सबसे बड़ी गड़बड़ी है। आपने यहाँ आए हैं 250 किलोमीटर पे, तो आपके यहाँ क्षेत्र में केला कब से लग रहा है? लगभग 50 साल से ज्यादा, या तो मैं पैदा हुआ उसके पहले भी लग रहा था। हमारी दूसरी तीसरी पीढ़ी है। हाँ, तो अभी तक हम जो केला खेती कर रहे हैं वो क्या डालना है और कितना डालना है इस पे ही अटके पड़े हैं, जिसकी जरूरत ही नहीं है। जरूरत किसकी है कि हम केला लगा रहे हैं तो केले को ग्राफ क्या चाहिए, लाइन से लाइन पौधे से पौधे की दूरी क्या चाहिए। आप इस पौधे को देखिए, अगर ये सामने जो बंच निकला है ये पूरा स्ट्रेट सीधा खड़ा है और यू आकार में टर्न लिया है। अभी इसको डंडा लगाने की आवश्यकता नहीं, बद्दी लगाने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इसका ग्राफ जो है सराउंड है, जिगजैग है, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7। एक थंब रूल हमें ये समझना है कि केले को क्या चाहिए वो करना पड़ेगा। दूसरा, अगर यहाँ का आप प्रैक्टिस देखोगे तो ये जो 70% जगह है, नाली, एक नाली से दूसरी नाली की दूरी 10 फीट है। आप अभी तक क्या कर रहे हैं खेती में, हर 5-5 फीट पे नाली करते हैं। सबसे बड़ी गड़बड़ वहां से चालू होती है। हर 5 फीट पे नाली करने में आपकी ड्रिप फिसल के नीचे आती है, जहां कड़क जगह है, जहां पौधे का रूट बढ़ नहीं सकता। हम खेत के अंदर जाते हैं तो वो जमीन दबती है, कड़क जमीन में पौधे की जड़ बढ़ेगी कैसे? यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां केवल एक काम किया है, हर 5 फीट पे नाली खींचने की बजाय एक को नहीं खींचा है। एक नाली है, एक बराबर है, एक नाली है, एक बराबर है, मतलब नाली हो गई 10 फीट की। अब जो बराबर है वहां पर कचरे की मल्चिंग है, बायोमास अच्छादन है। अगर ये देखोगे आप, इसको हटा करके भी देखोगे
तो कितने बैक्टीरिया, कितनी रूट डेवलपमेंट है ये आपको समझ में आएगी। केचुआ भी है। अभी ये जो विष्टा दिख रही है ना, ये गोल 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 गोल, ये केचुए का विष्टा है। ये पूरा जो दिख रहा है ये केचुए का विष्टा है, ठीक है। यही पौधे का भोजन है और यही सारे न्यूट्रिशंस है। तो हम क्या पौधे लगाने के बाद जड़ों के विकास होने के लिए ऐसी जगह छोड़ सकते हैं जहां कभी कल्टीवेशन ना करें, वहां कचरे की मल्चिंग करें और पौधे की जड़ निरंतर बढ़ती रहे? हमें फल कौन दे रहा है? केला। तो केले की जड़ें बार बार अगर हम काट रहे हैं, 5x5 लगा रहे हैं, 5x6 लगा रहे हैं और एक नाली एक पट्टा नहीं कर रहे हैं, तो जड़ें बार बार काट रहे हैं तो वो भोजन लेगा कैसे अच्छे से? उसको हम बार बार घाव दे रहे हैं, उसको बोल रहे हैं भैया पहले तू तेरी मलम पट्टी कर फिर खाना का, तो उत्पादन देगा कैसे वो? हम सब किसानों का एक ही जगह ध्येय आकर रुकता है कि मैं खाद कितना डालूं। सबसे बड़ी गड़बड़ यहीं पर है, उसको देखना ही बंद कर दो। मैंने जो फसल लगाई है उसका प्रमाण ग्राफ, उसको पानी देने की विधि में क्या रखूं, यहां से शुरुआत होगी। आप पूरे खेत में घूमकर देखो, 8000 पौधे का बगीचा है, वन शॉट में फ्लावरिंग आ रही है। मुझे गर्व है कि मेरा रेवा प्लस यहां लगा है, लेकिन यहां पर अगर कंद भी होता, दुनिया की किसी कंपनी का टिश्यू होता और इस किसान ने इस तरीके से काम किया होता तो उसका रिजल्ट भी ऐसे ही आता। मेरा कहने का ये मतलब है हमें किस दिशा में काम करना है उसको देखो। आप आज आपके क्षेत्र में कैसे काम हो रहा है और होना क्या चाहिए, आपके खेत में क्या काम हो रहा है, क्या हम इस चीज को एडॉप्ट कर सकते हैं, क्या इसमें फायदा है? 70-30 फार्मिंग नाम ही उसका काफी है कि 70% पौधे के लिए, उसकी जड़ों के विकास के लिए, वहां हम कोई कल्टीवेशन नहीं करेंगे, वहां हम कोई चारा मार दवाई नहीं डालेंगे, वहां हम खरपतवार कि जो निकाल के बाहर करते हैं उसको वही मल्चिंग करेंगे जैसा यहाँ पर कर रखा है, तो पौधे की जड़ों का विकास निरंतर होगा। यहाँ हम बायो डायनेमिक कॉलोनी डेवलप करेंगे बैक्टीरिया की, जो आपको दिख रहा है केचवे यहाँ पर ऑटोमेटिक आएंगे, और 30% जगह हम किसानों के चल फिर के लिए काम करने के लिए, क्योंकि खेत में हर पौधे के पास तो जाना पड़ेगा। तो हम किस जगह पर वजन रखें, हमारा पैर कहाँ रखें, जहां पर हमें न तो जड़ का विकास करना है, न पानी देना है, न खाद देना है, कुछ नहीं। सिंपल सा डिवाइड एंड रूल, पौधे के लिए अलग जगह है, हमारे लिए अलग जगह है। सबसे बड़ा थंब रूल ये है, मेरे पास ऐसे कई प्लॉट है जिन किसानों ने एक दाना खाद नहीं डाला और 25 किलो के ऊपर वजन आ रहा है। आज मैं आपको विजिट करूंगा वहां पर भी। सोहन भाई है, मेरा खुद का प्लाट है, और रवि जाट ने अभी सेकंड में पूरा 100 फॉलो करना चालू कर दिया। ऐसे कई सैकड़ों किसान हैं। तो फर्टिलाइजर है लास्ट पायदान पर। अभी इस खेत में आप घूमकर देखिए कि आपके गांव में, आपके घर में, आपके खेत में जो हो रहा है उसमें और केले को चाहिए उसमें क्या फ़र्क है, और क्या आप ये बदलाव कर सकते हैं? इसमें पैसा ही बचना है, खर्च नहीं होना है। बहुत शानदार। अभी आप ये पत्ते की हाइट देखिए, पीछे जो पत्ता है इतना चौड़ा पत्ता, ये क्यों झुकाया है? सामने से बंच आ रहा था तो ये अटक जाता, इससे बड़े पत्ते और हैं ऊपर, ये तो निकाल दिया तो हमें दिख रहा है उसका कलर, शाइनिंग, मैच्योरिटी। अगर सामने ऊपर हाथ खड़ा करोगे तो पता चलेगा 7-8 फीट का पत्ता है, एक दाग नहीं है। पूरे खेत में आप ढूंढ के दिखाओ मुझे कहीं सिगाटो का फंगस मिल जाए आपको। है ना ये काम की बात। अभी जिन किसानों के यहाँ फ्लावरिंग आ रही है, फरवरी का, जनवरी का, मार्च का लगा है, उनके यहाँ फ्लावरिंग आ रही है, तो इसका देखो आप, यहाँ का पत्ता बचा है, ये तो अभी निकलने में कहीं गिरा होगा, आपके कंधे तक का, कमर तक का पत्ता बचा है हरा। जिनके यहाँ फ्लावरिंग आ रही है उनके यहाँ ऊपर गर्दन तक के पत्ते खत्म हो चुके हैं। छोटा सा कारण है, जो हिंदुस्तान के एग्रोनॉमिस्ट है उन्होंने केवल 5x5 की डपली बजाई है, 5x5 पे पौधा लगाओ। 5x5 के डिसऑर्डर कितने गंदे हैं कि किसान को बार बार फंगिसाइड डालना पड़ रहा है, उसका माल अच्छा नहीं आ रहा है। किसी भी 5x5 के किसान के यहाँ पर ऐसा फल है क्या? ये फल को देखो आप, डंडे की क्वालिटी, पंजे में गैप, ये टिश्यू की भी वेराइटी का भी फर्क है जो पंजे में गैप है, लेकिन मेन है कि किसान कैसे काम कर रहा है। दूसरी बात,
यहाँ पर पिल रख लिया, ये आप जो देख रहे हो ना, ये रख लिया, ये एक महीना डेढ़ महीना हो गया है फ्लावरिंग आने से, एक महीने पहले पिल रख लिया है। आज तक हम किसानों को जो एग्रोनॉमिस्ट होने समझाया है, माल कटेगा उसके बाद रखना, क्योंकि आपका ग्राफ 5x5 का है, अंदर हवा ही नहीं है, धूप ही नहीं है, तो आप पिल रखोगे कैसे? पिल ही नहीं बढ़ता उसमें, पिल ही नहीं बढ़ता। तो पहली कटिंग 12 से 13 महीने में, दूसरी कटिंग 18 महीने में। तो किसान क्या करता है कि भैया रटून आता नहीं, गंदा आता, व्यापारी आता है तो आगे पीछे कटता है, तो माल लेके नहीं जाता। तो हमारे दिमाग में आ गया कि एक ही बार केला लगाना, निकाल देना, केला 1000 साल चलता है एक बार लगाने के बाद। मेरे पास कई ऐसे प्लाट हैं जहां पर 2011 से लगा था किसी का 2009 से लगा है, जो आज भी माल कट रहा है और एक्सपोर्ट हो रहा है। संख्या कम है, पूरे भारत में 3-4 प्लाट ही ऐसे हैं, क्योंकि उसे न तो कोई पब्लिश करता है, न किसानों तक जाने देता है। किसानों तक वो बात जाती है, मेरे बड़े भैया कहते हैं, राकेश भैया, कि किसान एक कमऊ पुत्र है जिससे सारी दुनिया पैसा लेना चाहती है, और वो बस निकाल निकाल के देना सीखा है। मेरा इतना ही कहना है कि पैसा निकाल के देना बंद करो, रुको, दिमाग लड़ाना चालू करो कि वाकई में कहाँ पैसा देना है, अब उसी को देंगे, हर किसी को नहीं देंगे। ये हकीकत है। आपने जमीन की तैयारी करी तो ट्रैक्टर वाले को पैसा दिया, डीजल वाले को पैसा दिया, आपने पौधा लिया, कंद लिया, कंद आपके यहाँ बिजवाई ज्यादा लगती है नेपानगर नावरा में, तो कंद जिस खेत से लाए उस मजदूर को पैसा दिया, उस किसान को पैसा दिया, ढुलाई लगाई बहुत, वो भी बहुत, तो उसके बाद खाद लेकर के आए तो सोसाइटी वालों को पैसा दिया, उसके बाद मेरे जैसा कोई एग्रोनॉमिस्ट आया आपके खेत में, झोला छाप भैया, माइक्रोन्यूट्रेंस, वाटर सॉल्युबल, ये डिबिया जादू करेगी, फिर दुकानदार को पैसे दिए। यही चक्र चल रहा है, पैसे दे। आपने प्लांटेशन करने से हार्वेस्टिंग करने तक बद्दी बांधते हो तो आपने हार्डवेयर वाले को पैसा दिया रस्सी बांधने के लिए, केला कटने के लिए आया तो आपके यहाँ जो व्यापारी मल्ला देखने आया है उसको पैसा दिया, उसने दिल्ली वाले को आपके यहाँ माल काट रहा है उसको पैसा दिया, उसने ठेले वाले को पैसा दिया जो माल बेच रहा है, कितने लोगों को किसान पैसा दे रहा है? सभी को दे रहा है। एक आदमी नहीं बचता कि जिसको पैसा नहीं दिया। तो अभी रुक कर समझने की जरूरत है कि हमारे जेब को खाली होने से कैसे बचाए। हमारी कुछ सोच ऐसी है जैसे कि खाली की जमीन है इसलिए बगीचा ऐसा है। हमारी चुन घड़ी जो भूरान की, पूरे हिंदुस्तान में बात करो आप, जो किसान केला लगा रहा है 10 साल से जी, जो एग्रोनॉमिस्ट गाइडलाइन दे रहा है 10 साल से, उससे बात करो कि कौन सी जमीन में केला अच्छा पकेगा, तो पहला नाम आएगा भोरान की जमीन, पीली, उसके बाद चुनखड़ वाली, उसके बाद मुरमाड़, और उसके बाद बोलेगा कि आपके पास जमीन नहीं बचे तो काली के पास जाओ, वरना काली में मत लगाना। ये जमीन जिस पर हम खड़े हैं ये केले के लिए एग्रोनॉमिस्ट की भाषा में है ही नहीं अच्छी, ये गंदी जमीन है, उसमें हिंदुस्तान का सबसे अच्छा केला बतला रहा हूं मैं आपको, जो केले के लिए नहीं है। मेन चीज है कि साइंस, ये जो आप जहां खड़े हो, यहां आप क्रेकिंग देख रहे हो, ये जो हवा जाने के लिए दरारे हैं ये दरारे होना चाहिए। हम जो खेती कर रहे हैं 5x5 पर या 5x6 पर या कैसी भी कर रहे हैं, उसमें 70-30 फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उससे आपकी हर ड्रिप एक तरफ रहती है, पूर्व में है तो सारी ड्रिप पूर्व में, तो उसका पानी स्लिप होकर के, और सिंगल बेड बनाते हो तो ड्रिप फिसल के नीचे गड्ढे में आ जाती है जहां आपके पैर हैं, यहीं आती है। यहां की जमीन आपने उर्वरक जमीन खींच कर तो ऊपर कर दी, मिट्टी लगा दी, जिस जमीन में न आपने खाद डाला, न पौधे की जड़ें हैं, उस जमीन में आप 4 महीने के बाद 6 महीने के बाद जब ड्रिप फिसल के नीचे आ गई, वहां पानी और खाद दे रहे हो, जिस पर आप डेली खेत के अंदर जाते हो, आपके कर्मचारी खेत के अंदर जाते हैं, तो जमीन दबती है, कॉम्पैक्ट होती है, तो नमी वाली जमीन में जितना भी पेड़ गिरता है वो टाइट 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 होती जाती है, और आपकी ड्रिप वहीं पर है, और ड्रिप से वाटर सॉल्युबल या खाद या जो भी दे रहे हो वहां पर कोई जड़ ही नहीं है, क्योंकि कड़क में जड़ पत्थर में जा नहीं सकती। फिर हम कामना करते हैं कि मेरा पौधा अच्छा फल दे,
डिसऑर्डर तो यहाँ से चालू हुआ कि पौधे की मूली कहाँ ले जाएं और कहाँ उसे भोजन दे। यहाँ पर हवा जाने के लिए जगह चाहिए और जहाँ पौधे की जड़ें विकसित हो रही है यहाँ पर आपको खाद और भोजन देना चाहिए। यहाँ पर ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इसे डिफाइंड करके हमें आगे चलना पड़ेगा हम किस दिशा में जाएं। अभी आप यहाँ और घूमकर देखिए किस तरीके से, आपके क्या क्वेश्चन है वो पूछिए आप। ये ऐसा है दादा जी, ये थोड़ा सा आप है ना एक वीडियो इसका जरूर बनाना। जैसे मैंने भी मेरे खेत में ऐसी किया, पर हमारे भैया बोलते हैं भैया हवा आंधी बहुत तेज चलती है छाड़ गिर जाएगा, तो भैया को बोला था ऐसे ही, तो ये मट्टी कैसे दूर करते इसका थोड़ा बकर से कराने। सिंगल आपके यहाँ गन्ना लगता है, गन्ने के रेजर है जी, ट्रैक्टर के पीछे जो रेजर दो रहते हैं दोनों को निकाल के रखो और एक रेजर बीच में लगाओ, खत्म। पौधा लगाने से पहले सिंगल रेजर, एक रेजर नाली बनाते जाएगा, आपको केवल नाली बनाना है, नाली बेड नहीं बनाना है। यहाँ पर आप देखोगे कोई बेड नहीं बनाया है, यहाँ पर आप देखो पौधे को एक मिट्टी भी दाना नहीं चढ़ाया, ये गुठली दिख रही है, इसको कुछ मिट्टी नहीं लगाई है, जो जमीन का जो तल है उसी पे लगा है। एक बड़ा डिसऑर्डर क्या है, नाली खींचना, नाली में लगाना, फिर उसको मिट्टी चढ़ाना। केला जीवन भर आपको वादा नहीं देगा, कलर क्वालिटी नहीं आएगी, जो व्यापारी माल काट के ले जाएगा दोबारा लेने में एक रुपया कम करेगा, क्योंकि आपने उसको नीचे गाड़ा 6 इंच, पहले तो नाली करी फिर गड्ढा खोदा, फिर उसके नीचे 6 इंच गड्ढा खोदा, फिर खोदा, यहाँ पर उसकी गुटली है, यहाँ नाली है, अब इसके ऊपर आपने मिट्टी लगाई, अब आपका गुदा यहाँ है, मिट्टी यहाँ है, ये 2 फीट का जो गैप बना, 1.5 फीट का 2 फीट का, काली मिट्टी हो या मध्यम मिट्टी हो, 2 फीट के नीचे नमी साल भर रहती है, ऊपर क्रेकिंग दिखेगी, और हमें ऊपर थोड़ा सा दिखा कि पानी कम है तो हम तो ड्रिप चालू कर देते हैं या नाली से पानी देते हैं। अब उस गठान के पास पानी सूख ही नहीं रहा है तो वहां निमेटोड आएगा, फंगस आएगी, पौधा न्यूट्रिशन उठाएगा नहीं, ऐसा फल कभी नहीं आएगा उसके नहीं आता जो नाली में लगा रहा है। नाली केवल इसलिए है कि आपको बराबर में लगाना है, एक नाली इधर कर दी, एक नाली इधर कर दी, तो ये जो ड्रिप का पानी दोगे ये स्लिप हो जाए और वहां से हवा आ जाए। केले को जो पानी चाहिए उसका सिद्धांत है ताजा पानी रोज का पानी और लगातार पानी। केले को ताजा पानी चाहिए, हम उसकी गुठली इतनी नीचे गाड़ देते हैं कि वहां बासी पानी रहता है, वहां फंगस आती है। पानी आपने आज दिया निसरा होना चाहिए, कल दिया निसरा होना चाहिए, परसों दिया निसरा होना चाहिए, वो केली आपकी फटफट माल उठाएगी, भोजन उठाएगी और क्वालिटी फूड देगी। और केवल नाली करना है, बेड बनाने की माइंड में मत रखो, केवल नाली करना है बस। यहाँ उसका फड़लोग मार रहा है दादा, जैसे ये लगाई थी केली तो बराबर लेवल जमीन में लगाई है, लेवल जमीन में लगाई है, रोटावेटर करके बराबर था, 10 फीट पे नाली कर दी थी और लगा दिया एक बार, उसके बाद फिर चढ़ाया है ताकि और गहरी, ये जो काम करने में स्लिप हो जाता है तो एक बार और उसको गहराई कर दी बस, बिना बिना ट्रैक्टर के सरी से रोटेटर की जगह में लग गया पहले निशान मार के रस्सी डाल के। हमारे जमीन में क्या होता है बलराम भाई के, घास बहुत होता है, यहाँ भी होता है, नहीं तो हमारे इधर यहाँ से ज्यादा होता है, बहुत इसका क्या प्रमाण है कि यहाँ से ज्यादा होता है। हाँ तो देखा है हमने, इसलिए बता रहे हम इधर। आप हर किसान को ऐसा लगता है कि मेरे खेत में घास सबसे ज्यादा, चाचापेक्षा भयन है, नहीं नहीं पर काली हमारे जमीन में ज्यादा घास होता है, इसलिए हम बोल रहे इतना कि यहाँ की जो काली की मिट्टी में देखा है कि थोड़ा सा कम होता है, पर हमारे यहाँ पर ज्यादा होता है, ये तो आपको भी मानना पड़ेगा। जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये गलती बात है, कैसे मानूंगा। अरे तो मानना पड़ेगा किसानों के यहाँ, जो हम देखे वो बता रहे हम, आपने आपके खेतों में ही देखा है, यही तो किसानों की गड़बड़ी है। हर किसान को लगता है मेरे खेत में घास ज्यादा होती है, तो घास होती है तो उससे दिक्कत क्या है, होने दो ना, होने उसको काट कर यहाँ बिछाओ ना, वो आपके पौधे का भोजन है। घास जो हो रही है उससे तकलीफ क्या है, जिसके यहाँ घास नहीं हो रही उसकी जमीन कमजोर है, जिसके यहाँ ज्यादा घास हो रही है उसकी जमीन उर्वरा शक्ति ज्यादा है। अब उस घास हो रही है तो उससे क्या हमारी केली नहीं पकेगी, या फंगस आएगी, या घास होने से हम 5x5 ही लगाएंगे, 5x7 नहीं लगा सकते,
घास होने से हम क्या चेंज करें, कुछ चेंज मत करो, केले को जो चाहिए वो करो 5x7, और घास जितनी हो रही है पौधे के आसपास 2-2 फीट की सफाई कराओ और घास को बड़ी होने दो, उसको काट करके वहीं बिछा दो, खत्म। इससे अच्छा कोई विकल्प नहीं है आपके बायोमास अच्छा धन का। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जमीन जमीन कोरने की जरूरत ही नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। ये जो है ना, ये सन लगाया था गर्मी में, इसको बचाव के लिए यहाँ पर अभी सन नहीं है तो गाजर घास है, दूसरा खरपतवार है। केले के लिए तो ये घास है ना, इसको काट करके यहाँ बिछा दिया है। ये हमने नाम दिया है इसका सनेम, केले को क्या पता ये क्या है, उसके लिए तो ये अंतरवर्ती फसल है या उसके लिए घास फूस है। घास भी रहा तो ये फरवरी का था। जो किसान केले को फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 15 तक लगा रहा है 1 जनवरी से, अगर वो केले को बचाने के लिए हरा पौधा नहीं रख रहा है, गाजर घास रख लो, कोई सी घास रख लो या सनेम लगा दो। केले में ये पत्ते हैं, देख रहे हैं ये सारे पत्ते हैं, ये सब पत्तों का आवरण है, अगर इनको छीलोगे तो केला गायब हो जाएगा। इसमें डंडा नहीं है, तना नहीं है, है ना। ये जैसे ये तने वाला है, ये अभी भी सूख नहीं रहा, ये तना है, इसमें पत्ता नहीं है। तो ऐसे तने वाला पौधा लगाना पड़ेगा गर्मी से बचाव के लिए, अगर आप 1 जनवरी से 15 जून तक प्लांटेशन करते हो, तो गर्म हवा इसके तने को न लगे। हाँ, वो सही रोक ले, वो क्लाइमेट कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। आप सनेम लगाओ या घास खड़ी रखो, सन लगाते हैं वैसे, लगाना ही पड़ेगा। तो सन भी तो आपके लिए चारा ही हो गया, खरपतवार ही हो गया, होने के लिए अच्छा है ना, बायोमास अच्छा धन हो जाएगा उससे। और ये जो निंदाई की बात कर रहे हैं कि भाई घास ज्यादा होता है, आदि तुम ये एक फड्डी में आदि ये घास डाल रहे थे, इसमें दोबारा घास आएगी नहीं कभी, फिर तुम्हारी बचत है। और केले में तुम करते 3 मेन बड़ी आपकी निंदाई गुड़ाई आती है, आधी पट्टी बच रही ना, निंदा इसमें आधी अपन ने पूरा मार्जिन डाल दिया, ये उठा उठा 2 महीने के अंदर फिर तीसरे में आएगा ही नहीं, तो उसकी हाइट हेल्थ ही बड़ी हो जाती है, छाव आने से घास होता है। तो आप जब केले को 2-3 साल का प्लान कर रहे हो और एक बार जो घास की सफाई करी, दूसरी बार करी, तीसरी बार करी, तो उसमें लगाओ ना मजदूर, दिक्कत क्या है, और काट कर वहीं बिछाओ, बड़ा होने दो, वो आपके लिए बायोमास अच्छा धन काम करेगा। काट कर डालो, आप उसमें ट्रैक्टर बंद करो, ये जो 10 फीट है यहाँ 10 बार ट्रैक्टर चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम वहाँ खाद नहीं डाल रहे हैं, वहाँ जड़े नहीं ले जाना, वहाँ पानी नहीं चला रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं करना। पहले दिन पौधा ट्रांसप्लांट किया, उसकी जड़ों को बढ़ने दो। व्हाइट रूट कितनी लंबी जा रही है, जो मेन जड़ है अगर इसको खोद के देखोगे तो 10-12 फीट मिलेगी आपको, वो तो जड़े तो जितनी बड़ी होगी उतना उसका पाइपलाइन बड़ा होगा, भोजन खींचने की क्षमता ज्यादा बड़ी बड़ी होगी। गन्ना लगा हुआ खेत है पहले, ये तो मक्का यहाँ पर लगाते हैं ना, बीच में यहाँ पर मक्का लगाते हैं, ये जो है ना गन्ने का भी पीसा हुआ है, लेकिन दो पौधों के बीच में एक मक्का और यहाँ पर सन। तो सन कैसा एक ही जगह लगाते हैं, ऐसा एल पोजीशन में, ऐसा आड़ा सन है, आड़ा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम काट कूट के इधर, तो काट कूट के वैसे ही बोल रहा है मैं कि जैसा काटना है अपने घास बड़ा होगा, तो इसी में का काटना भी है कि नहीं, काट का इसमें डालना है, सब काटो, सब काटो, इसमें का काटना, अपने को इसमें डालना है तो इसका भी काटना पड़ेगा भाई। इसने तो पहले बात तो ये सन इसके पहले इतना गन्ना था कि गन्ना हमारे यहाँ गन्ने के खेत में केली, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अच्छा, नहीं बोल लगा नहीं, मत मैंने लगाया हूँ, जैसे 5x5 पे लगा था, तो बस वो ज्यादा से ज्यादा इतनी बड़ी होती थी और कम से कम 1.5 साल में ये देखिए बलराम भाई, इससे ज्यादा हाइट नहीं होती थी झाड़ की, बस खत्म हो गया। अभी मार्चे की लागवड है, ये गैप फिलिंग वाला है जो सुअर खराब कर देते ना, वो पौधा है भैया मेरी मार्चे की लागवड है, ये साइज है, ये तो गैप फिलिंग वाला पौधा है, ये साइज है, मतलब पेंदा भी बच्चा भी दिखेगा। अभी एक चीज ये आप नोटिस करो, आपके यहाँ पर ये किसी के खेत में नहीं दिखेगा, फल आ गया है और फल आने से 2 महीने पहले बच्चा रखा है, नहीं वो तो दिखाई नहीं। ये जिस दिन कटेगा उस दिन तीसरा रखेंगे और दूसरा छोड़ देंगे, 7-8-10 कटिंग। अच्छा बकरम भाई, इसका छोड़ने ये जिस दिन कटेगा उस दिन उसका रखेंगे, फिर इसको छोड़ने का तरीका फिर हर 6 महीने में रखो, नहीं तो किस साइड से छोड़ना उसको, जैसा ये जो नहीं ये क्या किया है, ये जैसे पूरा पश्चिम है,
तो ये फिक्स किया है कि पूर्व में रख लिया है। अच्छा, एक साइड पूरा खेत खसक जाएगा, इधर साइड हो जाएगा। अभी ये सराउंड ग्राफ है तो फ्लावरिंग किधर आएगी ये नहीं पता, ये पश्चिम में है, इधर भी आ रहा है, वो उत्तर में है, वो दक्षिण में है, क्योंकि ये सराउंड ग्राफ है, चारों तरफ से धूप बराबर अंदर आ रही है, तो ये किधर आएगा नहीं पता। लेकिन हमने रखा तो फिर पूरा का पूरा पूर्व में रख लिया जी, या पूरा का पूरा उत्तर में रख लिया जी। दक्षिण में मत रखो, पश्चिम में मत रखो, ज्यादा फ्लावरिंग आती है पश्चिम या दक्षिण, दक्षिण में, क्योंकि सूर्य ऐसा चलता है, बराबर राउंड इधर से ही है। अब अगला रखेंगे तो इसके बाद उधर रख लेंगे, फिर उधर रख लेंगे, पूरा खेत आगे। अच्छा, मतलब जब भी छोड़ना है तो उसको पूर्व दिशा में ही छोड़ना है, एक दिशा फाइनल करो। पूर्व मतलब पूर्व, एक पौधे को पूर्व रखा दूसरे को पश्चिम रखा तो आपका ग्राफ गड़बड़ हो जाएगा, बराबर जैसे वो मतलब हाँ डिस्टेंस कम हो जाएगा, अपन ने इधर रखा तो फिर वो इधर इधर छोटा हो जाएगा। अब इसका थर्ड यहीं पे ऐसा बढ़ते बढ़ते तो उसका ग्राफ भी बढ़ते बढ़ते आगे जाएगा, अंतर एक ही कटिंग करना हो जाएगा। साइज ये का उसने ऐसा पिंडा छोड़ा तो अंतर कम जाता है, और ऐसा अंतर रखने से और ऐसा करने से उसमें जो लगा है इसके अगर हिसाब से देखा जाए तो इसमें ना फंगस आएगा ना कुछ आएगा, जमीन में आएगा ही ना, क्योंकि ऊपर ही ऊपर लगा है और पानी भी उतना जितनी मात्रा लग रही उतनी मिलेगी उसको, एकदम सही पकड़ा है। ज्यादा नमी में ज्यादा नमी रहे, नमी रहेगी नहीं तो गांठ उसके अंदर रहेगी नहीं तो फंगस आएगा भी नहीं। आप यहाँ अभी तो ये कल परसों भी बारिश हुई थी तो इतनी नमी दिख रही है, वरना पानी मिलेगा यहाँ पर और यहाँ क्रेकिंग मिलेगी, दरारें मिलेगी। अभी तो सितंबर अक्टूबर में जो धूप आएगी ना तो यहाँ पर आप एक ऐसा अंदर अपना हाथ डाल सकते हो इस तरीके से, ये सब फट जाएगा ये। और पूरे भारत में एक गड़बड़ी है कि फट गया तो जड़ टूट जाएगी, केला गिर जाएगा खराब, अभी इस दिशा में भारत ने उन्होंने केले लगाई, अब वो तो लेवल जमीन में लगाई, लेवल जमीन पे मट्टी लगाई, पूरी वाट लगा दी। नहीं मैंने मट्टी लगाई, मट्टी लगा रहे थे तो नहीं भाई हमने मना कर दिया, तो लगाई नहीं ना, लगाई नहीं ना, काफी हाइट हो गई थी उसकी, लगाई नहीं ना, अपन ने मना कर दिया तो फिर थोड़ा थोड़ा बोल बोल लगा दिया, तो वही ना लगा तो दिया। इसमें टेका इसलिए नहीं लगेगा कि आप पौधे को देखो एकदम सीधा है, एक थोड़ा सा भी झुका नहीं, पौधा कोई भी झुका नहीं, ग्राफ इसका सराउंड है। आपने एक तरफ छह लिया दूसरी तरफ चार लिया तो ये छह है इधर झुकेगा, एक तरफ सात लिया दूसरी तरफ पांच लिया तो ये झुकेगा। ग्राफ देना है सराउंड, मतलब इस पौधे से सारे पौधे दूर दूर है और एक समान दूर है, तो अगर इसको देखोगे आप तो सीधा तीर जैसा है और फिर फल निकला है, फिर फल की क्वालिटी रेवा प्लस है तो उसका यू टर्न है, सीधा खड़ा है, सीधा खड़ा, सीधा है। अभी आप किसानों के यहाँ देखोगे तो ऐसा टेढ़ा मिलेगा, टेढ़ा तो टेढ़ा मिलेगा तो ये फल भी झुकेगा, फिर आपको उसमें टेका लगाना है, फिर बत्ती लगाना है, सब करना है। जैसे ये पौधा अगर नहीं रहता है तो थोड़ा सा तो ये झुकेगा, झुकेगा इसका ये पौधा अगर नहीं होगा तो झुकेगा, झुकने का मौका मिला उस साइड झुक जाएगा, बस सराउंड ग्राफ चाहिए तो कोई किधर झुकेगा ही नहीं। आप सारे पौधे देखोगे एकदम सीधे तीर जैसे खड़े। और भैया एक चीज, जैसे जबरदस्ती वाला काम था ना ये, तो भैया इसमें कितने पंजे रखोगे, इसके जो इंच तने की मोटाई नाप करके कितने रखेंगे, मतलब कितना रखेंगे इसका, आपके पास टेप है क्या? हां है भैया, हां नापो इसको भैया। उसमें एक में बंच मैनेजमेंट ही कर लेते वहां पे, ये नापना है इस गुठली के ऊपर, यहाँ से नीचे गुठली पर मोटापन ज्यादा आएगा, उसके थोड़ा सा ऊपर से नापना है, बस ले यहाँ से आएगा थोड़ा सा इस जगह, ये आया 30 है ना, अब इसमें चार का भाग देना है, आठ आठ चौक 32। अभी तना पूरा मोटा है तो हम आठ रख सकते हैं, तना अगर पतला है तो सात रखना है जी। अभी इसको देखेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह है ना, अभी और आ रहा है लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है अभी। ये आपने नीचे की तो पूरे गायब होंगे, अभी यहाँ से दो केले रख लेंगे इसके, इतना नीचे डंडा जाएगा हाँ। और एक केला यहाँ पर आएगा, ये रेवा प्लस की पहचान है कि यहाँ बारीक नीचे आया, जहां तक भी डंडे की मोटाई 2.5 से 3 इंच की है। अभी लास्ट पंजा यहाँ है, उसके नीचे दो केले हैं, ये ब्लडिंग हो रहा है, ये जो तोड़ा ना जी,
तो ये सूखेगा, इसलिए हमें केले रखना है ताकि यहाँ से सूख यहीं तक रुक जाए, वहाँ से हरा जाए। अब इस जो बंच की क्वालिटी है, अगर इस अवस्था में आपने तोड़ा है तो ये 30 इंच का तने की मोटाई है तो ये 30 किलो का वजन देगा। कब? जब आपने ड्रिल कर रखा है। ये यहाँ पर ड्रिल है, कोई बच्चे नहीं है दूसरे। हाँ, वो ड्रिल करा हुआ है ना। जितने इंच तने की मोटाई है उतना वजन आएगा। वो आपने 7 पंजे रखे हैं या 9 पंजे रखे हैं? अगर 9-10 रखोगे तो नीचे की केली में, हालांकि जो आपका क्षेत्र है उसके हिसाब से रेवा प्लस में एक भी पंजा कम नहीं करोगे तो भी आपके क्षेत्र से क्वालिटी अच्छी आएगी, क्योंकि गैप है इसमें। ओरिजिनल G9 जो है इसमें गैप है। जो मैंने ये पंजे निकाले हैं, आप इसकी लेंथ देखो अभी कितनी बड़ी है, 4 इंच के आसपास। तो 4 इंच अपने यहाँ तीसरा चौथा पंजे भी आता है, आया ख्याल में? अगर रेवा प्लस में एक भी पंजा कम नहीं करो, मैं अगर इसमें दिखाऊं आपको, यहाँ पर देखो आप, ये अगर देखेंगे हम नीचे का केला, लेंथ, तने की मोटाई, गैपिंग, तो एक भी पंजा कम नहीं करोगे तो भी जनरल प्रैक्टिस का ये प्रीमियम माल है। ये इसका भी नीचे का देखोगे तो केले की संख्या यहाँ से बारीक आ गया है ना। अभी ये लास्ट वाला पंजा जो है उसका लेंथ 5 इंच का है, अभी तो इसको भरना है और बढ़ना है। जो पौधे की क्वालिटी है उसके मुताबिक भी डिसीजन होगा कि कितने पंजे कम करें और कितनी गैप रखें। लेकिन सही करना है तो तने की मोटाई में 4 का भाग देना है और उतने पंजे रखना है, वो सबसे बेस्ट प्रोग्राम है। नहीं भैया, जैसे मेरे ये तो अपना पौधा है, इसमें 8 पंजे जैसे अपन जनरली माने तो उसमें केलों की संख्या 180+ आएगी, 140 तो हम जो क्षेत्र वाले तो कंद वाले तो उनमें केलों की संख्या जैसे 120, 130, 140, 150 से नीचे, तो उस ट्रेड में भी मतलब अपन वही अप्लाई कर सकते हैं क्या? जैसे भाई बूंदा नापा, उसमें 4 का भाग दिया, वही करना पड़ेगा। एक बात को गांठ मान लो जी, टिश्यू है या कंद है, ये थम रूल है कि अपने को कि आपको नाप करके ही पंजे रखना है, एक चीज जी। दूसरा, आपकी प्रैक्टिस को 100 बदल दो तो उसमें भी केले की संख्या बढ़ जाएगी। आपकी प्रैक्टिस सिंगल बेड वाली है, उसमें साल भर पौधा भोजन नहीं लेता है, जड़े ड्रिप नीचे आ गई तो जड़े कड़क जगह में से भोजन नहीं उठाएगी, वो प्रैक्टिस बदली तो ऐसा ही बंच मिलेगा, वो रेवा का टिश्यू हो या दुनिया किसी कंपनी का हो या कंद हो, उनको ये बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव सिस्टम में अभी जो मैंने यहाँ पर ये रटून रखा है तो ये तो रेवा का नहीं है, ये तो कंद आ गया। कंद आ गया इसमें, इस अभी इसका जो बंच आना है इससे 20% ज्यादा उत्पादन दूंगा मैं इसमें, क्योंकि इसकी पहली जड़ ढीली जगह में जा रही है। इसकी जड़ जो गई थी वो कड़क जगह में गई, इसकी जो जड़ जा रही है ढीली जगह में जा रही है, इसको माँ का पूरा दूध मिलेगा, पूरा भोजन मिलेगा, ये जब कटेगा तो ये रिवर्स होगा। इसने अगर 30 किलो दिया है तो इसको मैं 35 से 40 किलो लाऊंगा, ये तो कंद है, ठीक है ना? तो कंद है या टिश्यू है उससे मतलब नहीं है, आपकी दिशा कौन सी है, प्रैक्टिस किस तरीके से, और ये एक साथ